अगर आप गर्भवती हैं और अगर आप अपने आप को टेस्ट करवाएं और अगर आपको एचआईवी है तो ट्रीटमेंट है जिससे आपको आपके बच्चे को एचआईवी ना हो. सो द फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप है अपने आप को टेस्ट करवाना. दूसरा स्टेप है ट्रीटमेंट लेना, क्योंकि ट्रीटमेंट मिलेगा, ट्रीटमेंट है तो उसको एक्सेस करना, उसको लेना आपका जिम्मेदारी बनता है. ये बहुत ज़रूरी है समझना कि एचआईवी जो डिज़ीज़ है वो अब है, हमारी सोसाइटी में है, लेकिन उसको हम ट्रीट कर सकते हैं. और इस डर से कि खुद जान जाएंगे कि खुद को एचआईवी है या परिवार जान जाएगा या लोग जान जाएंगे, उस डर से अपने आप को टेस्ट ना करवाना बहुत बड़ी गुनाह है. एंड उस गुनाह को रोकना अपना खुद का जिम्मेदारी है, हर एक का अपना जिम्मेदारी है. और इससे जो मासूम बच्चे इस दुनिया में आ रहे हैं उनको एचआईवी होने से आप रोक सकते हैं. इट्स डिफिकल्ट टू आंसर दैट क्वेश्चन बिकॉज इट्स अ गिवन. आई मीन वी हैव बीन लेंडिंग माय वॉइस टू द कॉज ऑफ एचआईवी एंड एड्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ. बट व्हेन द यूनाइटेड नेशंस टुक मी ऑन एज देयर इंटरनेशनल गुडविल एम्बेसडर, the immediate role that they saw pertinent at this point in time would be to work with the UNAIDS and to lend my voice particularly to this. I'm sure the timing seemed perfect. I am a new mother and it seemed the perfect time to be actually, since you know, everybody is aware, there is the attention at this point in time. It's a natural fit. But for me, it would have been a natural fit 10 years ago. It would be a natural fit 20 years ahead. Because it's an important mission that I think we're all here on for society at large. And I'm happy to lend my voice, irrespective of the fact that I am a new mother or not.